इस बुजुर्ग ने वड्डे वड्डे बॉडी बिल्डर करते फेल, तकड़े बंदे भी बाबे अगे भरते ने पानी। 63 साल की उम्र च नौजवानों लई बनिया बाबा मिसाल। बचपन के शौक बुढ़ापे च कर रहा है पूरा, पूरे दिन च 2 घंटे दब के करता है जिम च कसरत। मामूली जही खुराक ने बनाई इन्नी तकड़ी बॉडी। जब कुछ करने का जज्बा हो तो फिर उम्र नहीं देखी जाती, और खासकर जब बात हो सेहत से जुड़ी हुई तो फिर कहते हैं ना कि कर लो आसमान मुट्ठी में। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने अपनी उम्र को नहीं देखा, सिर्फ अपने शौक को देखा, अपनी सेहत को देखा, अपने उस इरादों को देखा जिसके बलबूते वो जिंदगी जीता है। ये हैं सरदार रेशम सिंह जी। सत श्री अकाल जी। श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। रेशम सिंह जी, मैं देख रहा तुसी बना रहे हो, डंबल कर रहे हो। आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को बता दूं कि आपकी उम्र 63 साल के करीब है, ये बॉडी बिल्डिंग का शौक कब से लगा? सर 21 साल की उम्र तो, एट दैट टाइम आई वॉज 21 ईयर ओल्ड एंड आई हैड ए लुक बाई चांस मसल एंड फिटनेस, जो वीडर्स मसल एंड फिटनेस। एक एक मैगजीन आती थी जो वीडर्स मसल एंड फिटनेस, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 1982। अच्छा। तो मैंने वो मैगजीन देखी। अच्छा। तब आप कितने साल के थे? 21 लगभग 21। तो फिर मैंने जो है वो मैगजीन जो है, मैं दिल्ली में उस समय पढ़ता था, 1979 to 1984 मैं दिल्ली में पढ़ाई करी है 5 साल। तो उस समय फिर मैं दिल्ली, मैंने देखा था जलंधर में उस मैगजीन को, तो मैंने जो है वो मैगजीने खरीदी। फिर दिल्ली में जनपथ है ना, दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास, वहां पर ये मैगजीन मिल जाती थी उन दिनों में। तो मैंने कुछ इशू खरीदे और उनको पढ़ा। असल में उन दिनों में इतना नॉलेज का जो है, आईटी तो थी नहीं उस समय, नॉलेज किसी को भी नहीं थी, सब बस बिगनर्स ही थे, सब बस जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। बाकी अब मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक यंग लड़का खड़ा है जो आपकी मैं देख रहा हूँ कि देखिए, आप मसल्स देखिए। मैं कहूंगा विजय से कि देखिए, इनके उम्र 63 साल के करीब है, लेकिन अब देखिए कि कहीं भी मांस आपको नहीं मिलेगा। चेस्ट देखिए, बाइसेप देखिए, एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो इस 63 साल की उम्र में बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर वाला लुक है जो, और फिटनेस के प्रति। रेशम सिंह जी, आपने वो मैगजीन देखी, शौक हुआ? हाँ, मैं खरीद के पढ़िया भी, फिर आपको आपने शुरू किया धीरे धीरे। हाँ, मैंने जो है ना, मतलब वो चीजें अमेरिका की थी, साइंटिफिक थी ना, नहीं तो हम क्रूड करते। यदि हमें नहीं नॉलेज है तो हमारा जो मतलब कह लो कि हिट एंड ट्रायल वाली बात हो गई ना, हिट एंड ट्रायल अपनी जगह है, एक एक्यूरेट चीज है वो अपनी जगह, उसमें रिजल्ट आएगा। हमने जिम जाना शुरू किया, मैं उस समय हमारे पास बहुत फैसिलिटी थी जी वहां पे दिल्ली में। अच्छा। मतलब जैसे कहते हैं ना, हेड ऑफ टाइम्स, मतलब मेरा जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था ना, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वो तकड़ा कॉलेज है। तो आपको क्या लगा? वहां पर बहुत मतलब जिम का इक्विपमेंट बहुत था उन दिनों में भी, 82 में भी, 81 में भी। तो हमने वहां पे शुरू करी वो मैगजीने पढ़ के, हम भी हिट एंड ट्रायल वाले थे। शुरू कर दिया आपने? मैंने शुरू कर दी बस 82। 21 साल की उम्र में शुरू की, कब तक आपने जारी रखा जिम करना? तकरीबन थोड़ा सा घूम जाइए, तकरीबन 40 की एज तक मैंने उसको किया, बॉडी बिल्डिंग की करी मैंने। बॉडी बिल्डिंग की या एक होता है कि जिम में जाके डोले बनाना? नहीं, नॉलेज बनाना नहीं, मतलब मैं एक्सरसाइज करता रहा और मैं 40 साल की उम्र तक करता रहा। फिर मेरे फैमिली रीजंस के कारण गैप हो गया, फिर नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। फिर 10-12 साल ऐसे ही निकल गए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 21 साल की उम्र में जैसे हम आम लड़के अगर जिम जाते हैं, जिम किया, अपनी बॉडी बनाई, दूसरों को भी टिप्स आपने दिए, तो 40 साल तक इन्होंने जिम किया, उसके बाद गैप आ गया, फिर इन्होंने शुरू किया 55 साल की उम्र में। 52 52 साल की उम्र से फिर से जिम शुरू किया यहाँ पे चंडीगढ़ के पास। मैं जहाँ भी रहता था, जहाँ भी मैं रहता था वहां पर मैं मतलब इन बिटवीन भी मैंने 2007-08 से मैंने योगा का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अच्छा। योगा का उन दिनों में बाबा रामदेव जी की बहुत चढ़ाई हो रही थी बॉडी में, इसलिए मसल दिखाते रहिएगा कि ये देखिए, ये आपके सामने 63 साल के यंग हैं जिनके आप मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये काफी कुछ जो यंग जनरेशन है वो देख रही होगी कि वाकई
तो आपने 52 साल की उम्र से शुरू? हाँ जी हाँ जी, मैं उस समय मतलब जैसे मैंने आपको बताया 2008 से मैंने योगा सीख लिया। वो मेरी फैमिली जो सर्कमस्टांसेस थे उनमें फिट बैठ रहा था, क्योंकि मैं बैठे बैठे अपना योगा प्राणायाम जो करना है। जो फैमिली में कोई परेशानियां आती थी वो आती थे, मतलब मैं जिम नहीं जा सकता था ना जिम, इसीलिए 12 साल का मतलब नागा हो गया। उसमें मैंने मतलब ये कह लो कि तीन साल मैंने योगा प्राणायाम वगैरह जो भी प्रमोट, मतलब बाबा रामदेव जी मेन उस समय थे ना सिपा सलार। हाँ, हाँ, तो मतलब योगा मैंने योगा की तरफ जो है मतलब अपना काम चला लिया। और उससे क्या है कि मेरी बॉडी की कंडीशनिंग भी रही और एक तरीके से इनडायरेक्टली बॉडी को मतलब एक्सरसाइज तो मिलती रही ना, चाहे योगा ही है। तो मैंने मतलब उसके बाद जैसे मेरी एज मैंने बताया 52 हो गई, तो कुछ स्थिति मेरी ठीक हो गई। मैंने जैसे 2 घंटे योगा कर लिया, आधा 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 घंटा 40 मिनट वेट से एक्सरसाइज कर थोड़ा सा। हाँ जी, कैमरे के सामने रहिए आप। तो और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी, कि जब आपने दोबारा शुरू किया जिम में आना, हाँ जी हाँ जी, और सबसे पहले दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? अच्छा, मेरा प्रोफेशन क्या है ये कह लो कि मैं आजकल क्या काम करता हूँ। मतलब कहते हैं ना कि बंदा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करता है। मैं सर एक तो इंश्योरेंस का काम करता हूँ, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का, HDFC लाइफ में। अच्छा, और दूसरा मैं मतलब जो जिम से रिलेटेड है, फिजिकल फिटनेस की किसी को एडवाइस चाहिए या जो चाहिए वो भी कर देते हैं। बाकी मैं थोड़ा शाम को भी कुछ 3-1 घंटा और काम करता हूँ, अपना एक्स्ट्रा काम करते हैं। जिम कितने बजे करते हैं सर? जिम मेरा ये मेरा ट्रेंड ही है, मतलब कि मैं हमेशा ही खाली पेट मॉर्निंग में करके खत्म कर देता हूँ। सुबह कितने बजे? मतलब जैसे 6 बजे 6:30 बजे शुरू किया, मौसम के हिसाब से 6 बजे 6:30 बजे शुरू किया। तो मैंने जितना वर्क करना है, 1.5 घंटा हो जाए 2 हो जाए 1 घंटा हो जाए, वो तो डिपेंड करता है ना मेरे पास कितना टाइम है, मैंने कितने बजे कहीं जाना है या जो भी काम है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा मैं 2 घंटे क्या 2 से ज्यादा भी कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ। अब बात करते रेशम सिंह जी के, आपने जब देखा कि मैं भी स्टेज पे चढ़ूं, मुझे भी ट्रॉफी मिले, लड़के तो हमने देखा इवन कि अब तो विमेन फीमेल भी आ रही है ना काफी सामने से, आपने कितने ट्रॉफियां जीती जब आप स्टेज पे गए? आपकी कैटेगरी, आप मास्टर्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हो? हाँ जी, मास्टर कैटेगरी में सर मतलब जैसे मैंने बताया कि 52 इयर्स के बाद तो मैंने अपनी प्रैक्टिस करी, मतलब उसको दोबारा रीजनरेट किया ना, क्योंकि लंबा नागा हो गया था, बॉडी को दोबारा रिकंडीशनिंग करनी पड़ी ना। मैंने वो तरीका वही रखा कि 2 घंटे के लगभग योगा कर लिया, उसके बाद 30-40 मिनट एक्सरसाइज कर ली। फिर 2018-19 के बाद फिर मैंने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, योगा का कंपोनेंट कम कर दिया। योगा का मतलब जहाँ ड्यूरेशन कम कर दिया या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। आपने ये कहा ना कि थोड़ी सी बॉडी को जब रिकंडीशनिंग की तो मसल वेट बढ़ाना पड़ता है, अपने वेट कितना का वेट आप कर लेते हैं कि जैसे अपने बाइसेप लगाने कितने केजी आप करते हैं? सर मेरा जो है मेरी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब मैं ये जो है डंबल 12-15 किलो वाले डंबल भी मतलब टोटल 25 किलो बन जाएगा ना, टोटल 25 किलो बन जाएगा, 25-30 के मतलब बिचकार जो है इतना मैं कर सकता हूँ। बाइसेप कर्ल, ये हैमर कर्ल, इतना मतलब जैसे यही है, ये डंबल है। अब ये जो डंबल है ये मतलब होगा 12-13 किलो का होगा ये, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, मतलब 2 होंगे तो थोड़ा बैलेंस बनता है ना, तो ये यहाँ तक हम, इससे अगला हैवी डंबल है यहाँ तक हम कर लेते हैं इस तक। ओके, ये जो है ये इससे इसके बाद ये भी कर लेते हैं, मतलब यहाँ तक हो जाता है ये 14.5 किलो होएगा ये 12-12.5 के बीच। तो आपने कितनी कब पहली बार कब पार्टिसिपेट किया 55 जब आपने शुरू किया जिम, आप 52 साल की उम्र में शुरू किया बॉडी? मैंने 2022 में मतलब जाना शुरू कर दिया स्टेज पे 2022 में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ये चंडीगढ़, मैं मेरी कंडीशन अच्छी थी ना, तो मैं जहां भी गया, मैं शुरू में मैंने गेस्ट पोजिंग करी। कहां पे की? एक तो करी मोहाली में, हाँ जी, एक फिर मलेरकोटला गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है एक बार मैं ये सूरज पान जी हैं डेरा बसी के, अच्छे खासे वो भी इस लाइन में हैं, बॉडी बिल्डिंग के हैं, मैंने उनकी स्टेज पे फिर नॉर्थ इंडिया किया, मतलब गेस्ट पोजिंग के लिए। हाँ जी, गेस्ट पोजिंग मैंने उनकी स्टेज पे, नॉर्थ इंडिया का उनका उस दिन प्रोग्राम था। अच्छा, एक बार करके दिखा जी गेस्ट पोजिंग। हाँ, ये देखिए, ये होती है गेस्ट पोजिंग, मतलब जब आप किसी बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट में जाते हैं तो जो गेस्ट पोज होता है कि आपके जो बॉडी बिल्डर अच्छे हैं या जिस तरह से ये सीनियर हैं, तो ये देखिए, ये हैं 63 साल के रेशम सिंह जी, जो युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं कि आप सेहत बनाइए। ये देखिए मसल देखें आप इनके,
आपको कहीं मांस नहीं मिलेगा। और डोले देखिए, अभी भी इस उम्र में भी पूरी इन्होंने अपने शरीर को बना रखा है। हाँ, ये पोजेज होते हैं, गेस्ट पोज, ये गेस्ट पोजेज की हम बात करें। तो सर, आप किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गए अपनी कैटेगरी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सर जो है मतलब 2023 मतलब अप्रैल मई तक मैंने उस साल में गेस्ट पोजिंग करी, 2022 में भी, 2023 में भी। अच्छा। उसके बाद 2023 में मैं फिर गया मलेशिया मिस्टर एशिया पे। अच्छा, जो आपकी कैटेगरी मास्टर्स में? मास्टर्स में। अच्छा। वहां पर मेरा था सिल्वर मेडल, 2023 में, यही नवंबर 2023 में। अच्छा। फिर उसके बाद जो है, अब मैंने फिर बीच में जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये करवाया कंपटीशन, और उनके आगे फ्रेंड थे, उन्होंने करवाया, मैं फिर उनके पास भी गेस्ट पोजिंग करके आया ना। तो आपका इंटरनेशनल एक मेडल आ चुका है? हाँ जी, इंटरनेशनल मेरा मिस्टर एशिया पे मास्टर कैटेगरी में मेरा एक मेडल आ चुका है। ये जो है, ये चंडीगढ़ का जो कंपटीशन अभी हुआ है 31 मार्च को, इस पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इसमें आपका भी? इसमें मेरा फर्स्ट प्लेस था। ये छोटा है ना? हाँ हाँ। तो आपकी उस कैटेगरी में कितने और थे, आप ही थे अकेले? नहीं सर, मेरी कैटेगरी में एक दो बंदे और तो थे, फर्स्ट प्लेस ज्यादा नहीं थे, बंदे ज्यादा नहीं थे, बंदे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं रेशम सिंह जी की डाइट पे। हर एक बॉडी, हम खली की डाइट के बारे में बहुत सुनते थे, बात भी की। अब बॉडी बिल्डर की, अलग अलग बॉडी बिल्डर की अलग अलग डाइट होती है। तो रेशम सिंह जी, आप आगे आइए सर, अब आपकी डाइट बताइए दर्शकों को, सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, और सप्लीमेंट्स क्या क्या है? क्योंकि बहुत सारा प्रचलन चला है ना कि डब्बे खाने हैं, ये खाना है। सर ऐसा है कि सुबह की डाइट, जैसे मतलब मैंने सवेरे जिम कर लिया, अपना नहा लिया, खाली पेट, मेरा पहले से ही ऐसा ही है, मतलब मेरे में एनर्जी की कमी नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, पहले कुछ बनाना खा लो या कुछ सेब खा लो, मैं तो हवा पानी के ऊपर 2 घंटे से ज्यादा वर्क भी कर दूंगा, तो मेरे को एनर्जी इज नॉट माई प्रॉब्लम, मतलब मेरे को थकावट नहीं होती। मैंने कभी जो है वो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट ये सोच के कभी नहीं लिया कि भाई मेरे को एनर्जी की जरूरत है। बस सवेरे मैं यहाँ तक जिम करने के लिए तो कुछ नहीं खाता, उसके बाद खाते हैं। फिर मैंने कभी गिनती मिनती नहीं करी, जैसे रोटी भी खाई, सब्जी भी खाई, आलू भी खाया। कितने मतलब वही कितने क्या खाते हैं सुबह? यही चीजें, मतलब रोटियां, 2 रोटियां। अच्छा, दो रोटी, और मेरा ज्यादा मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, मतलब जैसे दूध है तो 1.25 किलो दूध मैं पी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। अच्छा, मलाई भी खाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा मतलब जैसे केला हो गया या आलू हो गया, वो बढ़िया कार्बोहाइड्रेट सोर्स, वो भी करूंगा सुबह सुबह सवेरे, मतलब रोटी, ये ब्रेकफास्ट में मतलब रोटी, सब्जी और दूध, 1.25 लीटर से कम नहीं होता, बढ़ भले जाए। अच्छा, मैं सर नॉन वेज को अवॉइड करता हूँ, मैं मीट अंडा मतलब मैं नहीं खाता। उसके बाद दोपहर में आ जाए, बीच में कुछ खाते हैं आप? हाँ जी सर, मतलब ये एक्सरसाइज ज्यादा इंटेंस है तो मैं 3-1 घंटे के बाद, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, तो 12 बजे के आसपास एक बार मैं फिर मिल्क की डोज करूंगा 1.25 किलो वाली, फिर करूंगा। लेकिन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन के वर्कआउट उन दिनों में सुपर इंटेंस चल रहा हो पूरा 2 घंटे या ऐसे, यदि कम है तो फिर मैं वो उसको स्केल डाउन कर दूंगा ना, पाइया दूध पी लिया, 250 पी लिया। दोपहर का लंच में रोटी सब्जी और जो है दही हो जाएगा। अच्छा, कुछ कच्ची चीज भी हो जाएगी, कच्ची चीज। अच्छा, मतलब मैं प्रोटीन का तो मेरा मेजर सोर्स जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ही है, मेरा 1.5 से ज्यादा किलो, मतलब उसके बाद सुबह और दोपहर को मिला के आप और शाम को भी पीते होंगे, 2 किलो के करीब बन जाता है सर, दिन में 1.25 दे प्लस माइनस चे पहुंच जाता है। उसके बाद रात को खाना कितने बजे खाते? रात को सर खाना जो है मेरी इच्छा तो ये रहती है कि 8:30 बजे खत्म हो जाए काम। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो पाता हर रोज। क्या खाते हैं एवरी टाइम? रात को मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ, 1 रोटी बस, थोड़ी सी सब्जी, दाल और मिल्क वगैरह जो है या दही वगैरह, वो बिल्कुल कम, कितना 100 ग्राम बस, 100-125 ग्राम। यदि दिन में कम पिया या नहीं टाइम लगा तो 250 एक पाइया पी लिया बस। रात को मेरा फूड कहीं बाहर कहीं गए या कुछ छोले कुलचे ब्रेड ये सर कभी कभार खाते हैं। बेसिकली क्या है कि जितना हम ये फूड खाएंगे ना, तो उसमें क्या है कि डू अनडू वाली बात है कि मैं मान लीजिए पिज्जा बर्गर खा लिया,
अब उसका जो बॉडी पे जो बॉडी के अंदर जो मतलब उसका उनमें जो है ना मतलब वो उतना बेनिफिट तो देते नहीं। कोई ऐसी चीज जो आपने पिछले 15 साल से ना खाई हो, अवॉइड की हो, कुछ ऐसी चीजें? सर मतलब मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया मीट, अंडा, शराब वगैरह मैं इनसे बचता हूँ। मैंने कसम नहीं खाई है। अच्छा। लेकिन यदि खा लिया कहीं एमरजेंसी में या किसी कारणवश तो मेरे को गम भी कोई नहीं। लेकिन मैं खुद पर्सनली ये चाहता हूँ कि इन चीजों से दूर ही रहो, दूर रहो जब जहां तक पॉसिबल हो। आपके परिवार में क्या है, कौन कौन है? मेरे परिवार में इस समय मेरी वाइफ ही है, मेरा लड़का जो है वो जॉब करता है, वो तो फॉरेन में रहता है। तो आपके जब आपको लड़के देखते हैं यंग आते हैं, क्या पूछते हैं कि आप इस उम्र में क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, वो प्रसन्न होते हैं। आगे मेरे से आशीर्वाद लेंगे पहले तो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा देवी देवता बन गया, ऐसा तो नहीं है। खैर हम भी यही करते हैं सब कुछ। अब आपकी इच्छा क्या है कि जब तक आपने है तो शरीर? मेरी इच्छा सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कहते हैं ना जो आदमी बैठ गया, मतलब जो आदमी बैठ गया वो रस्ट आउट हो जाएगा। तो जो आदमी चलता फिरता है फिजिकली मेंटली वर्क अपना करे वो एक्टिव रहेगा, तो और उसका जो है मतलब वो रस्ट आउट नहीं होगा, कंडम नहीं होगा। वो कहते हैं ना इट इज बेटर टू बियर आउट देन रस्ट आउट, जैसे अपना मैकेनिकल में बैरिंग वगैरह होते हैं भाई, वो घस के खत्म हो जाए अच्छा है बजाय जंगाल लग के खत्म हो जाए। तो ऐसे आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे बाहर के? हाँ जी, फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर जाऊंगा। असल में क्या है कि इंटरनेशनल पे खर्चा काफी होता, स्पॉन्सरशिप किसी से मिल गई तो मैं जो है फिर मैं मेरे लिए थोड़ा क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई। क्योंकि देखिए अब जैसे कुछ कंट्रियों में तो कम वहां पे होटल सस्ता होता है, लेकिन कई जगह होटल का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब लेकिन आप जिम करना जारी रखें? मैं जिम करना जारी रखूंगा क्योंकि ये तो मेरा ही फायदा है, इसमें तो मेरा ही फायदा है, जिम करूंगा तो मेरा ही फायदा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेशम सिंह जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप जिम करते रहिए। युवाओं को, यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? मैं सर युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि देखो यदि आप ज्यादा स्टीरॉइड्स के पीछे जाओगे इट इज हार्मफुल। क्यों? कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं विदाउट, आपको मेडिकल सुपरविजन के अलावा नहीं लेने चाहिए ये चीजें। जो भी ये चीजें हैं मतलब इंजेक्शन, हार्मोन और चीजें जो हैं ये विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कह लो या विदाउट सुपरविजन ऑफ ए मेडिकल एक्सपर्ट नहीं लेने चाहिए। मतलब ये हार्म कर जाएंगे, उसका कारण है आज बॉडी बन जाएगी। आप कहोगे कि एक ये तो 2 महीने में पूरे साल का फायदा हो गया, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, सेहत के लिए भी हानिकारक, और आपको कुछ ना कुछ वो डैमेज करके जाएगा, शायद हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए ना बहुत बंदों को हार्ट अटैक इसीलिए हो रहे हैं कि भाई जो है ना मतलब मैं एक बात बताता हूँ ना कि मान लो आपने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन बॉडी के बाकी हार्मोन और उसमें इम्बेलेंस सा हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन या जो भी बनता है बॉडी में वो धीरे धीरे बनता है ऑन 24 आवर्स बेसिस, इधर एक मिनट में उतना चला गया, तो 24 घंटे का जो मतलब कह लो खाना पीना था जो भी हार्मोन था वो एक मिनट के। आपने सही कहा कि सेहत सिस्टम सही रहिए, अपनी सेहत पे ध्यान रखिए और सही तरीके से युवा बन के रहिए। 63 साल की उम्र है, जोश में कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रेशम सिंह जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन नंबर भी बता देता हूं। बिल्कुल वो हाँ वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने जो एक जज्बा जगाया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, ये रेशम सिंह जी से हमने आपको मिलवाया, देखिए उम्र देखिए 63 साल की है, 52 साल की उम्र में फिर से शुरू किया, एक इंटरनेशनल खेलने भी चले गए और रोजाना अपना काम भी निपटाते हैं, अपनी डाइट बताई। सबसे अहम इसमें जो बात लगी कि अपनी अपने सेहत है जो सबसे अनमोल खजाना है, इसे संभाल कर रखना, सही तरीके से रखना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो 63 साल की उम्र जैसा जोश भी तभी बरकरार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।